हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज मैं एक और वीडियो के साथ आई हूँ आप लोगों के सामने, और ये वीडियो भी बिग बॉस के ऊपर होने वाली है, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि जहाँ पर मुझे मेरा ओपिनियन ऐसा था कि विशाल गलत नहीं है और पायल, अरमान और कृतिका ये गलत हैं, और उसके ऊपर पायल तो अपना ओपिनियन दे के चले गई थी, जिससे काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी बिग बॉस हाउस के अंदर। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते अरमान ने विशाल को थप्पड़ मार दिया और बाकी सब सारे हाउस वाले विशाल को गलत समझने लग पड़े, और मतलब सारे अपने अपने ओपिनियन देने लग गए और उसको हर चीज़ में जज करने लग गए कि घर के लड़कियों ने छोटे कपड़े पहना बंद कर दिया है विशाल के करके या जो भी है। क्योंकि हम एक चीज़ पे किसी को जज नहीं कर सकते हैं, और मतलब बाकी टाइम तो उसने ऐसा कुछ किया नहीं जिसके अकॉर्डिंग घर वाले उसके अगेंस्ट हो गए, और उसको नॉमिनेशन में भी यही रीज़न देने लग पड़े सारे। सबसे ज़्यादा ये रीज़न तो जो चंद्रिका दीक्षित थी उसने दिया था, और घर से वो बाहर भी हो गई है, तो मतलब मुझे तो अच्छा है कि वो उसका सच में अपना कोई ओपिनियन था नहीं, और वो दूसरों के जो मैटर्स होते थे उनको ला ला कर वो उनको उन चीज़ों को मुद्दे बनाकर मतलब घर में दिखती थी। चाहे वो अरमान के साथ बैठेगी तभी भी ये मुद्दा उठाएगी, सना मकबूल के साथ बैठेगी तभी भी ये मुद्दा उठाएगी, दीपक जी के साथ बैठेगी तभी भी ये मुद्दा उठाएगी, किसी और के साथ बैठेगी तो तभी भी ये मुद्दा उठाएगी। तो उसका मेन मुद्दा यही था कि नहीं, विशाल तो मेरे आसपास नहीं आना चाहिए, विशाल से अब मुझे ये ऐसी वाइब्स आती हैं, ऐसे नेगेटिव वो होता है, जो भी है ऐसा ऐसा रीज़न दिया था। तो यही चीज़ें ख़त्म करने के लिए या दूसरा पहलू दिखाने के लिए विशाल के पेरेंट्स भी, और ये ज़रूरी था क्योंकि आपने मेकर्स ने या बिग बॉस ने मतलब इस चीज़ के लिए पायल को तो बुला लिया और पायल ने ये चीज़ तो बोल दी आकर जो कि गलत था, पर दूसरा पहलू जो सही बात थी वो बोलनी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती थी इस चीज़ के लिए कि किसी को आपने गलत दिखाया है नेशनल टेलीविजन के सामने। वही होता है ना कि आधा सच भी बहुत खतरनाक होता है, होता है ना कोई कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती है कि झूठ से ज़्यादा आधा सच खतरनाक होता है, ऐसा कुछ होता है, जो भी होता है। तो ये चीज़, और इसलिए विशाल के पेरेंट्स आए थे, और मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अगर पायल ने कुछ गलत बोला तो उसको क्लियर आउट करने के लिए उसके पेरेंट्स भी आए थे। तो हाँ, ये वो स्टेटमेंट थी जो कि विशाल ने कटारिया के कान में बोला था कि भाभी सुंदर है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, ये बोला था। और इसके बेस पे घर वालों ने पता नहीं क्या क्या ओपिनियन निकाल लिए थे, और मतलब उनके क्या क्या बातें बन रही थी विशाल को लेकर या कुछ भी। तो यही चीज़ बिग बॉस ने क्लियर कर दी, और मुझे तो अच्छा लगा एज अ बिग बॉस फैन और बिग बॉस के व्यूअर्स, तो मुझे ये पर्सनली अच्छा लगा कि बिग बॉस ने एक चीज़ करी कि विशाल के पेरेंट्स को बुलाया। विशाल का भी अंदर से जो भी वो जितना डाउन हो गया था या जो भी हो गया था, तो उसका भी वो क्लियर आउट हो गया कि नहीं, मैं बाहर ऐसा कुछ गलत नहीं दिख रहा हूँ या जो भी है। और लव कटारिया का भी मतलब सॉर्ट आउट, मतलब लव कटारिया का मुझे इतना सॉर्ट आउट लगा नहीं कि हुआ, क्योंकि लव कटारिया ने भी हामी भरी थी कि हाँ ऐसा है ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे खटकी कि उसको उस टाइम अपने फ्रेंड का साथ देना चाहिए था कि नहीं तुम गलत हो, और देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है कि विशाल का साथ देना चाहिए था। और ये बात चल रही है ना कि विशाल की तरफ से फ्रेंडशिप ज़्यादा प्योर है और कटारिया की तरफ से वो थोड़ा सा मुझे लो लगता है या पीछे साइड लगता है, मतलब थोड़ा सा बैक स्टेप लगता है वो, और लव विशाल के साइड से मुझे जेन्युइन लगता है। तो यही था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, यही था मेरे एज अ व्यूअर अपना पॉइंट जो मैंने रखा वो था। और आप लोगों के क्या पॉइंट्स हैं और आप लोगों के क्या मतलब क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।